दोस्तों, अगर आप अपने स्मार्ट टीवी में या फिर एंड्रॉयड टीवी में लाइव टीवी चैनल्स देखना चाहते हैं, वो भी बिना डीटीएच सेट टॉप बॉक्स या फिर आपका केबल टीवी कनेक्शन के, तो दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको चार ऐसी ऐप्स या फिर मेथड बताने जा रहा हूँ जिसकी सहायता से अपने स्मार्ट टीवी में आप लाइव टीवी चैनल्स देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं, सारी डिटेल में आगे आपको बता देता हूँ। दोस्तों जो पहला मेथड मैं बताने जा रहा हूँ या पहली ऐप बताने जा रहा हूँ वो है जियो फाइबर का सेट टॉप बॉक्स में आप जियो टीवी प्लस ऐप के थ्रू लाइव टीवी चैनल्स देख सकते हैं। अगर आपके पास है जियो फाइबर का ब्रॉडबैंड कनेक्शन है या फिर जियो एयर फाइबर का कनेक्शन है तो आप अपने जो सेट टॉप बॉक्स है जियो फाइबर का सेटअप जो उसके साथ में आता है कनेक्शन के, उसमें लाइव टीवी चैनल्स देख सकते हैं। इसके बाद दोस्तों ऑलरेडी एक वीडियो मैंने बनाई हुई डिटेल में, उसमें मैंने बताया आपको कैसे आप लाइव टीवी चैनल्स देख सकते हैं और कौन कौन से टीवी चैनल्स आप देख पाएंगे। पूरी डिटेल में कई वीडियो मैंने बनाई हुई है, वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। लेकिन दोस्तों इसके लिए आपके पास में क्या है कि जियो फाइबर का या फिर जियो एयर फाइबर का कनेक्शन होना जरूरी है। दोस्तों जो जियो फाइबर का सेटअप बॉक्स है इसमें आपको पॉपुलर सभी टीवी चैनल्स मिल जाएंगे और इसके ऊपर कंप्लीट वीडियो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। दोस्तों अगर आपके पास में सैमसंग का स्मार्ट टीवी है तो उसमें एक इनबिल्ट ऐप आती है सैमसंग टीवी प्लस, उसमें आप बहुत सारे लाइव टीवी चैनल देख सकते हैं। मैं आपको बता देता हूँ, आप देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे। यहाँ देख सकते हैं मूवीज़ एंड शो, मूवीज़ एंड लाइफस्टाइल, किड्स, ये सभी टीवी चैनल्स हैं। इसको ओके करते हैं। दोस्तों यहाँ पे लेफ्ट साइड में आप देख सकते हैं काफ़ी सारे कैटेगरीज आपको मिल जाएंगी, फीचर चैनल्स हैं। इसके अलावा अगर आप जाएंगे मूवीज़ में तो मूवीज़ के जैसे 9 चैनल्स हैं यहाँ पे दिखा रहा है, मूवी क्लब वगैरह ये सब कुछ चैनल्स हैं। इसके अलावा म्यूज़िक में अगर जाते हैं तो ये म्यूज़िक के कुछ चैनल्स आपको मिल जाएंगे, 9XM है, 9XM जलवा है, इस टाइप के चैनल्स हैं। न्यूज़ चैनल्स आप देख सकते हैं हिंदी न्यूज़ है, इसमें आज तक, इंडिया टीवी, रिपब्लिक भारत, ये सभी काफ़ी सारे चैनल्स हैं, इंग्लिश चैनल्स हैं। इसके अलावा रीजनल न्यूज़ के चैनल्स हैं, एंटरटेनमेंट देख लेते हैं, एंटरटेनमेंट सेलेक्ट करते हैं तो ये कुछ एंटरटेनमेंट के चैनल्स आपको मिल जाएंगे इसमें। और किड्स में जाते हैं दोस्तों तो पोगो, कार्टून टीवी नेटवर्क, ये कुछ चैनल्स आपको मिल जाएंगे। स्पोर्ट के भी कुछ चैनल्स हैं, डिस्कवरी के कुछ चैनल्स दोस्तों इससे पहले आते थे, अभी शो नहीं कर रहे हैं, हो सकता है इन्होंने हटा दिए हैं यहाँ से। इसके अलावा लाइफस्टाइल के कुछ चैनल्स हैं और डिवोशनल्स हैं। तो इस तरीके से आप सैमसंग टीवी प्लस ऐप में काफ़ी सारे लाइव टीवी चैनल्स देख सकते हैं। दोस्तों जो थर्ड मेथड या थर्ड ऐप आपको बताने जा रहा हूँ वो G5 ऐप है। G5 ऐप में आपको कुछ लाइव टीवी चैनल्स मिल जाएंगे, जैसे जी चैनल के जो टीवी चैनल्स हैं, इसके अलावा कुछ न्यू चैनल्स वगैरह मिल जाएंगे, मैं आपको दिखा देता हूँ। लेकिन इसके लिए आपको G5 का सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा। तो जैसे यहाँ जाएंगे लेफ्ट साइड में आप देख सकते हैं लाइव टीवी का ऑप्शन है यहाँ पे। इसके बाद में आप देख सकते हैं मूवीज़ के कुछ चैनल्स हैं यहाँ पे, एक्सप्लोर SD, जी क्लासिक, जी एक्शन एंड पिक्चर्स, ये सब कुछ चैनल्स हैं। इसके अलावा एंटरटेनमेंट आप देख सकते हैं GTV, जी अनमोल, जी कैफे, NTV SD, GTV SD, ये सब चैनल्स हैं। इसमें दोस्तों आपके जो न्यूज़ चैनल्स आते थे पहले हिंदी न्यूज़ चैनल्स वगैरह काफ़ी सारे, वो अब शो नहीं हो रहे हैं, मुझे लगता है इन्होंने हटा दिए हैं चैनल्स। तो ये वाले चैनल्स आप इसमें G5 TV ऐप में देख सकते हैं लाइव टीवी चैनल्स। दोस्तों आप फोर्थ ऐप में आपको बताने जा रहा हूँ वो वाचो TV ऐप है। इसमें भी कई सारे लाइव टीवी चैनल्स आप देख सकते हैं और इसमें कुछ फ्री के चैनल्स होते हैं, कुछ प्रीमियम के लिए आपको सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है। वाचो TV है ये कि आपकी मल्टीपल OTT प्लेटफॉर्म की ऐप भी है, तो इसमें मल्टीपल OTT कंटेंट भी आप एक ही ऐप में वॉच कर सकते हैं। तो जैसे इसको ओपन करते हैं यहाँ से, ये वाली ऐप दोस्तों डिश TV इंडिया वालों की ऐप है। डिश TV जो आप पहले DTS TV कनेक्शन वगैरह मिलता था डिश TV का, उसी की है। अब इसके बाद में इसमें जाएंगे लेफ्ट साइड में दोस्तों तो आप देख सकते हैं लाइव टीवी का एक ऑप्शन है, इसको ओपन करते हैं यहाँ से। इसके बाद में आप देख सकते हैं फ्री लाइव टीवी चैनल्स कुछ शो हो रहे हैं इसमें, जी न्यूज़ है, 9XM, रिपब्लिक भारत, इंडिया न्यूज़, नेशनल है, इंडिया TV है, नव भारत है, पिटारा, वी वाल में अगर जाते हैं तो इसमें आप देख सकते हैं ये सारे ये टीवी चैनल्स आप देख सकते हैं, 9XM, जलवा वगैरह भी है इसमें। तो ये सारे फ्री के चैनल्स दोस्तों आप इसमें वाचो TV ऐप में देख सकते हैं। अगर दोस्तों आप इसका वाचो TV का प्रीमियम सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो कुछ टीवी चैनल्स और ऐड हो जाएंगे, जैसे G5 वगैरह के इसमें टीवी चैनल्स ऐड हो जाते हैं। देख सकते हैं दोस्तों G5 के भी इसमें लाइव टीवी चैनल्स शो हो रहे हैं, तो आपको सब्सक्रिप्शन अगर लेंगे तो वो चैनल्स आप एक ही ऐप पे यहाँ पे देख पाएंगे। और आप देख सकते हैं संस्कार के भी लाइव टीवी चैनल्स हैं, इसके अलावा सन नेक्स्ट के हैं और भी कई सारे इसमें चैनल्स आप देख सकते हैं म्यूजिक वगैरह के हैं। तो इस तरीके से आप वाचो TV ऐप में कई सारे लाइव टीवी चैनल देख सकते हैं विदाउट एनी DTS केबल TV या फिर सेटअप बॉक्स के। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैंने आपको चार ऐसी ऐप्स बताई या फिर ऐसे मेथड बताए जिसके थ्रू आप अपने स्मार्ट TV या फिर एंड्रॉइड TV में लाइव टीवी चैनल्स देख सकते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो अगर आपको पसंद आया तो कृपया वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करना और दोस्तों हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, यहाँ पे आपको ऐसे यूजफुल कंटेंट फ्यूचर में देखने को मिलते रहेंगे। तो दोस्तों इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, थैंक यू।